और हमने आज आपसे कहा था सुबह कि जैसे ही हमको कोई फैसला मिलता है हम आपको बताएंगे। ये पूरा जो है 3-4 पेज का उन्होंने आज अपना असेसमेंट दिया है एग्ज़ाम को लेके, सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और सारे सेमेस्टर्स को लेके। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे थे। ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने अपने ब्लॉग अखिलेश द्विवेदी एजुकेशनल पर डाल दिया है, जिसको देखना है और जाके देख ले, और ज़रूर से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लंबा है, मैं उसकी कुछ मेन मेन चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कृपा करके जाके उसको ब्लॉग पे देख लीजिएगा, अखिलेश द्विवेदी एजुकेशनल पर ये है, ठीक है? अब जो है उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर 17 अगस्त से इन्होंने कहा है कि शुरू होगा, और 7 अगस्त से जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे वो हॉस्टल में जा सकते हैं। और कहा है कि अगर कोरोना नॉर्मल रहा, मतलब अगर कोरोना में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हुई और आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा उड़ा नहीं, तो आपका 17 अगस्त से एग्ज़ाम होगा। और सबसे पहले जो है लास्ट ईयर और जो लास्ट सेमेस्टर्स के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वाइवा जो है वो जो है मतलब आपसे वाइवा भी उसका होगा, और अगर आप चाहें तो उसको और किसी ऑनलाइन मोड पे भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है? और जब ये हो जाएगा तब जो है फर्स्ट और फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना जो है ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? पहला वाला जो अभी हमने बताया था वो नॉर्मल पे बताया था कि कोरोना नॉर्मल रहता है तब, और जब ये वाला जो है सिस्टम, इसमें मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोरोना बढ़ जाता है, ख़त्म नहीं होता, बहुत हाइपर हो जाता है, तब सिचुएशन क्या होगी कि जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं या जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनको एग्रीगेट देखते हुए, जो उनका जैसे लास्ट ईयर जैसे बीकॉम का मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो एवरेज निकाला जाएगा और उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो सेमेस्टर वाइज में भी जो करंट सेमेस्टर है उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? अब इसमें बचे बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, अगर मान लीजिए कोरोना बहुत बढ़ जाता है तो, और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाता 17 अगस्त से, तो तब क्या होगा, आपको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि आगे जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी, मतलब 17 अगस्त से लेके आप मार्च में जैसे आपका पेपर होता है उसके बीच में आपका ये एग्ज़ाम फिर से जो छूटा हुआ है ये फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट आपका होगा, ठीक है? तो ये सूचना अभी है मेरे पास, और इसका पूरा का पूरा डिटेल मेरे ब्लॉग अखिलेश द्विवेदी एजुकेशनल पर है, ठीक है? और अगर किसी को कोई ज़्यादा कंफर्मेशन है तो अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देगा, तो उससे मैं उसको उसके वो पूरी कॉपी उसके पास भी भेज दूंगा, ठीक है? और फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो जो है आप मुझसे जैसे व्हाट्सएप मतलब पॉइंट बस पर लिख के पूछते हैं, पूछते रहिए। ओके, धन्यवाद।